finishes off in style. लंबे लंबे लहराते बालों और चमकती हुई मुस्कान के साथ जब वो अपने रनअप पर जाते थे तो उनको देखने में जो सुकून मिलता था वो अलग ही लेवल का था। दुनिया ने उनको क्या क्या उपाधि नहीं दी, कभी स्माइलिंग असैसिन तो कभी स्विंग मास्टर, और मजे की बात तो यह है कि यह उपाधि उनको सूट भी करता था। अपने छोटे से लेकिन असरदार क्रिकेटिंग करियर में उसने अपने लिए क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जो जगह बनाई है वह काबिले तारीफ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीपति बालाजी की। चलिए इस किस्सा को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म 27 सितंबर साल 1981 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन बालाजी कभी खुद को कमतर नहीं आके और वो लगातार मेहनत किए जा रहे थे। फर्स्ट क्लास मैच के साथ तमिलनाडु में शुरुआत करने वाले बालाजी का टीम इंडिया से बुलावा आया अक्टूबर 2003 में, जब न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत के दौरे पर आई थी। अहमदाबाद में हुआ यह टेस्ट ड्रॉ रहा था जिसमें बालाजी केवल एक विकेट ले पाए थे। इस टेस्ट को राहुल द्रविड़ के दोहरे शतक के लिए भी याद किया जाता है। साथ ही बालाजी के साथ इस मैच में ओपनर बैट्समैन आकाश चोपड़ा ने भी डेब्यू किया था। लक्ष्मीपति बालाजी को नाम मिल चुका था, अब उसे पहचान की जरूरत थी, और यह पहचान मिला साल 2004 में जब भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। इस दौरे का पहला टेस्ट याद किया जाता है वीरेंद्र सहवाग के 13 शतक के लिए। दूसरा टेस्ट भारत हारा था लेकिन बालाजी ने उस मैच में 4 विकेट लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तीसरे टेस्ट में राहुल द्रविड़ के दोहरे शतक के बदौलत भारत इस मैच को इनिंग के अंतर से जीता था और इसी के साथ जीता था यह टेस्ट सीरीज भी। इस मैच में बालाजी ने कुल 7 विकेट लिए थे। साथ ही निचले क्रम पर खेलते हुए वह 6 गेंदों पर 11 रन बनाए थे जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। यह उस दौर में बेहतरीन एंटरटेनमेंट था। अब बारी थी एक दिवसीय सीरीज की। पूरे 5 मैचों की सीरीज में बालाजी ने मिला जुला परफॉर्मेंस दिया था लेकिन उनकी अपीयरेंस ही ऐसी थी कि लोग उनके दीवाने हुए चले जा रहे थे। खास करके पेशावर में हुए तीसरे वनडे मैच जिसमें भारत हारा था, उस मैच में भी बालाजी नीचे खेलते हुए 12 बॉल पर 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट के 5वें और फाइनल वनडे की। अब तक बालाजी पाकिस्तान में अपना जलवा दिखा चुके थे। लंबे लंबे बालों से जब वो बॉलिंग करते थे तो पाकिस्तानी भीड़ गाना गाती थी, बालाजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। यह बालाजी को मिल रहा वह समर्थन था जो उसने पूरे दौरे पर हासिल किया था। इस मैच में जब बालाजी ने शोएब अख्तर को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। इस मैच के फाइनल ओवर में बालाजी जब शोएब अख्तर को एक शॉट तो उनका बैट टूट गया। यह दृश्य भी काफी रोमांचक था। भारत टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज जीतकर वापस लौट चुकी थी और यह दौरा लक्ष्मीपति बालाजी को लोकप्रियता के बुलंदी पर पहुंचा दिया था। समय बीता और अगले साल 2005 में पाकिस्तान भारत के दौरे पर आया। इस दौरे पर एक टेस्ट में बालाजी ने पारी में 5 विकेट झटके और पाकिस्तान को घुटने पर ला खड़ा किया, लेकिन तेज गेंदबाज के तो नसीब में ही चोट होती है। बालाजी भी इससे अछूते नहीं रहे और वो अगले 3 साल के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। उनका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हुए। हालांकि बालाजी को साल 2012 में श्रीलंका में हुए T20 विश्व कप के लिए चुना गया था। उसने अपने चुनाव को सही ठहराया और भारत की ओर से सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए। फिर शुरू है आईपीएल। साल 2008 में हुए आईपीएल के पहले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीदा था। किंग्स 11 पंजाब के साथ हुए एक मैच में बालाजी ने हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। यह आईपीएल के इतिहास में लिया गया पहला हैट्रिक था। इसके बाद वो आईपीएल के 4वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेले। इसके बाद के ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब ने उनको खरीदा और वह उनके साथ खेले। इसके बाद के सालों में आकर वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच भी रहे और अभी वो साल 2018 से चेन्नई के बॉलिंग कोच है। नेशनल साइड में बालाजी को नहीं चुने जाने का फायदा तमिलनाडु को हुआ। उसने बालाजी को रणजी टीम का कैप्टन बना दिया। वो काफी लंबे समय तक तमिलनाडु की रणजी टीम का कैप्टन रहे। इसके बाद उनकी एंट्री तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हुई। इस लीग में बालाजी की टीम ने फाइनल मैच जीता और वहीं से बालाजी ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी और इस तरह से यह स्माइलिंग असैसिन बिना नेशनल साइड के ही विदा हो गया। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बालाजी ने साल 2013 में मिस चेन्नई प्रिया थालूर से शादी की। तो यही थी पूरी कहानी लक्ष्मीपति बालाजी की, जिसे अब उनके फैंस फील्ड पर मिस कर रहे हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।